हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसपी एजुकेशन। आमे एयर पोल्यूशन ए हिडन मीनिंग चैप्टर को बहुत भल भाव लाइन टू लाइन ओडिया बुझुले तो टोटल ए चैप्टर को मुझे तीनो पार्ट में डिवाइड करी जार पार्ट वन सरी जाइए। आज आम पार्ट टू डिस्कसन करवा आउ गोटे भिडियो पार्ट थ्री सहित पूरा चैप्टर को कम्प्लीट करदे। ठीक अच्छे, सो प्रथम पार्ट वन में कौन कौन पढ़ी टी आम पक्ष को जाकि देखा तापर आम पार्ट टू डिस्कसन करवा। देख फर्स्ट आम भोपाल गैस जो दुर्घटना घटी ता विषय पूरा पाराग्राफ पढ़ी किपरी घटी कौन कौन सब से लोक मान किपरी क्षतिग्रस्त होते से विषय में पढ़ी। तापर सेकेंड ए पाराग्राफ आम देखी कि आम जो खाद्य एवं जल अपेक्षा वायु द्वारा किपरी आम अधिक प्रदूषित जिनस ग्रहण कराराग्राफ आम डिस्कसन करते। नेक्स्ट आम देखी प्योर एयर कौन मानने वायु को केत शुद्ध कहते बड़े ताको इम्प्योर कहो के पल्यूट हो एयर पल्यूशन कहो सर आम ए पाराग्राफ में डिस्कसन करतेपर आम देखी आम जो टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी दिन को दिन एक्सपेंडिंग होता सहित आमर एयर पल्यूशन बढ़ी बढ़ जाए। एयर पल्यूशन तो आगे बट ए तार सीभीरीटी आर स्कोप बढ़ी जाइए बर्तमान। नेक्स्ट आम ए पाराग्राफ में कौन डिस्कसन करते इंडस्ट्री मान द्वारा किपरी भाव में एयर पल्यूशन बढ़ी बढ़ी जाऊँ। ठीक अच्छे, तापर आम देखी थर्मल पावर स्टेशन अर्थात तापज विद्युत केन्द्र तापर सीमेंट स्टील ओर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सब इंडस्ट्री द्वारा किपर एयर पल्यूशन हो विषय आलोचना करते। तो ये आम पार्ट वन। ठीक अच्छे, सो आज क्लास आम एठ स्टार्ट करवा ए पाराग्राफ रु धीरे धीरे पढ़ी पढ़ी जावा। मुझ तुमको सब डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग कह पूरा ओडिया बुझे जो मैंने भी पार्ट वन देखी मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक देती कि डायरेक्ट तुम यूट्यूब को जीवन सर्च कर एयर पल्यूशन हिडन मेनाक बाय एसपी एजुकेशन एमती सर्च कर तुमको मिल जाए आराम से तुम देखिपार। ठीक अच्छे ना, सो देखा आम आम पार्ट टू ए पाराग्राफ स्टार्ट करवा। चलो स्टार्ट करवा। फर्स्ट द ऑटोमोबाइल एग्जस्ट आर इन नो वे लेस डेंजरस देन द इंडस्ट्रियल स्मोक। एग्जस्ट मान हो गैसेस फ्रॉम इंजन ऑफ ए ऑटोमोबाइल। ठीक अच्छे, मुझे भूल ए कहीदी ऑफ एन ऑटोमोबाइल मैंने जानवाहन गुड़िकर इंजिन रु जो गैस गुड़िक बाहर ताको एग्जस्ट बोली कहुए। तो ठीक लिखा है ऑटोमोबाइल एग्जस्ट से मैंने ऑटोमोबाइल रो एग्जस्ट गुड़िक आर इन नो वे लेस डेंजरस देन दि इंडस्ट्रियल स्मोक। तमाने इंडस्ट्री रु जो स्मोक बाहर जो धुआं बाहर ताठारु जानवाहन गुड़िक इंजिन रु आसुथिबा धुआं कौनसी परिमाण रे भी कम क्षतिग्रस्त नुहे। ता अर्थ इंडस्ट्री जो धुआं गुड़िक जति क्षति करंती ताठु भी अधिक क्षतिकारक ताठु अधिक डेंजरस के ऑटोमोबाइल एग्जस्ट गुड़िक इंजिन रे बाहर धुआं गुड़िक। ठीक अच्छे, इट इज रिपोर्टेड दैट ऑटोमोबाइल इन ग्रेटर कोलकाता एलोन स्प्यू अबाउट 1500 टन्स ऑफ पोल्यूटेंट्स इनटू द एटमॉस्फेयर एवरी डे। मैंने यह रिपोर्ट मिली कि ग्रेटर कोलकाता रे, कोलकाता जान बहुत बड़ सहर तो लिखा है बृहत कोलकाता ऑटोमोबाइल गुड़िकर एवरी डे अर्थात प्रतिदिन प्रतिदिन 1500 टन पोल्यूटेंट गुड़िक जाके एटमॉस्फेयर मिसुचे। एक टन हो हजार के जी, 1500 टन मान कौन 1500000 के जी। तो प्रतिदिन कोलकाता सहर ऑटोमोबाइल गुड़िकर 1500000 के जी पोल्यूटेंट गुड़िक पोल्यूटेंट मान प्रदूषक प्रदूषक गुड़ जाकि कोलकाता रो वायुमंडल को प्रदूषित करुझिपार। इंडिया जी सिटी अच्छे से भितर जब जानवाहन द्वारा सब अधिक प्रदूषित हो तो सी हूँ कौन कोलकाता। एट क्वेश्चन आसूसी कोलकाता के टन रेली पोल्यूटेंट गुड़िक जाकि एटमोस्फेयर में मिशी आंसर कौन लिख 1500 टन रके। स्टेटेड दैट ए पर्सन लिविंग इन कोलकाता वेदर ही इज ए स्मोकर और नॉट। माने जड़े लोक कोलकाता बास करुच्ची से स्मोकर कि न हो माने स्मोकर माने धूमपान करते व्यक्ति से धूमपान करू कि न करू अर्थात से सिगरेट के बीड़ी टाणु कि न टाणु इज फोर्स टू इनहेल टॉक्सिक सब्सटेंसेस इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग टू पैकेट ऑफ सिगरेट ए डे। माने जड़े व्यक्ति दुई पैकेट सिगरेट आने जी शरीर भितर को विषाक्त पदार्थ जादि से लोक कोलकाता बास कर स्मोक माने स्मोक करू कि न करू सी सिगरेट टाणु कि न टाणु तथापि ता देह को प्रतिदिन दुई पैकेट सिगरेट आने जी दुष्ट पदार्थ जीव से दुष्ट पदार्थ से बाध्यतामूलक इनहेल कर मानने प्रोसेसर नौचे। तो मैंने बुझिपार कोलकाता वायुमंडल केमाण प्रदूषित जे जड़े लोक दुई पैकेट सिगरेट आने प्रतिदिन दुई पैकेट सिगरेट आने देह जी क्षतिग्रस्त होने कि कोलकाता से लोक रोचे सिगरेट न टाणे भी दुई पैकेट सिगरेट टाणी सहित सामान सी है ये परिमाण दुष्ट पदार्थ गुड़िक तार शरीर भितर को जाऊँ। द लेवल्स ऑफ पल्यूशन इन सिटी लाइक दिल्ली मुंबई एंड चेन्नई आर इक्वली अलार्मिंग। लेवल ऑफ पल्यूशन माने
ପଲ୍ୟୁସନ୍ର ଲେବେଲ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦୂଷଣର ସ୍ତର କେଉଁ କେଉଁ ସହରରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସହରରେ ଇକ୍ୱାଲ ଆଲାର୍ମିଂ ସବୁଠୁ ସମାନ ଭାବରେ ସତର୍କତା ସବୁଠୁ କରାଯାଉଛି ବୁଝିପାରୁଛ ମାନେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଲେବେଲ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଗଲାଣି ତେଣୁ ସତର୍କ ରହିବାଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଟୁ ମିଟ୍ ଦ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଡିଂ ପପୁଲେସନ୍ ଦି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ବସେସ୍ ପ୍ଲେଇଂ ହେଲା ପ୍ଲାଇଂ ଅନ୍ ଦି ରୋଡ୍ ଆର୍ ବିଙ୍ଗ ଇନକ୍ରିଜ୍ ତାମାନେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଡିଂ ପପୁଲେସନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଡ୍ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତିରେ ବୋମ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଡ୍ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବିସ୍ଫୋରିତ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ପପୁଲେସନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଡିଂ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯେଉଁ ବୋମା ଫାଟିଲା ଯେତେ ପରିମାଣରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ସାଉଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର ପପୁଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ି 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 ଚାଲିଛି ହେଲା ଯେଉଁ ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ରେ ପପୁଲେସନ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଛି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଇଂ ହେଉଛି ପ୍ଲାଇଂ ମାନେ କ'ଣ ଯାତାୟାତ କରିବା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପରିମାଣ ଯାଉଛି ବସ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି 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 ଯାଉଛି ସୋ ଦି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ବସେସ୍ ପ୍ଲାଇଂ ଅନ୍ ଦି ରୋଡ୍ ଆର୍ ବିଙ୍ଗ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ମାନେ ବଢ଼ିବା ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବସ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଇକ୍ୱାଲି ଏ ଗ୍ରେଟର ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଲୋରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଗୁଡ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ସ ଆର୍ ଅନ୍ ଦି ମୁଭ୍ ଲୋରି ମାନେ ଟ୍ରକ୍ ଆଉ ଗୁଡ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ମାନେ କ'ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ବହକ ଯାନ ଯେଉଁ ସାମାନ ଗୁଡ଼ିକ ନେବା ଆଣିବା କରିଥିବା ଗାଡ଼ି ତାକୁ ଗୁଡ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଲୋରି ମାନେ ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତେଣୁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା ତ ବସ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା ଖାଲି ବସ୍ ତ ବଢ଼ୁନି ତା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ଗୁଡ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ମାନେ କ'ଣ ସାମାନ ନେବା ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଗାଡ଼ିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ହେଭି ଭେହିକଲ୍ସ ୟା ସହିତ ହେଭି ଭେହିକଲ୍ସ ମାନେ ଅଧିକ ଓଜନିଆ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ କାର୍ସ କାର୍ର ବ୍ୟବହାର ଜିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ସ ଜିପ୍ ଏବଂ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଯେମିତିକି ବାଇକ୍ ହଉ ସ୍କୁଟର ହଉ ମୋପେଡ୍ ହଉ ହେଲା ହେଭି ଇନକ୍ରିଜ୍ ଡ୍ରାମାଟିକାଲି ଠିକ୍ ଅଛି ବାଇକ୍ ସ୍କୁଟର ମୋପେଡ୍ ମୋପେଡ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଟି ସଦୃଶ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେଉଁ ଏକ୍ସିଲ ଗାଡ଼ି ବୋଲି କହୁଛ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି କେବଳ ତ ଚାରି ଚକିଆ ନାହିଁ କି ଆଠ ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ତା ସହିତ ଦୁଇ ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଅଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଂ ଟୁ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଲେବଲ୍ ଅଫ୍ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେତେ ଯାନବାହନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ସେତେ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବଢ଼ି 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 ଚାଲିଛି ସେ ପ୍ରକାରର ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ସ ଆର୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର 60% ଅଫ୍ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଇନ୍ ଭେରିୟସ୍ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଦେ ରିଲିଜ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କାର୍ବନ୍ ମୋନକ୍ସାଇଡ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦି ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର୍ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି ମାନେ 60% ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛି କି 60% ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଯଦି ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ 100% ବା ସବୁ କାରଣ ମିଶିଥାଏ ତ ସେ ଭିତରୁ 60% କେବଳ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସହରରେ ଏମିତି ଦେଖାଯାଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ନା ପିଲାଣ୍ଟା ଭଲରେ ବୁଝ ଲେଖା ହେଲା ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସରି ପିଲା ଲେଖା ହେଲା କ'ଣ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ସ ମାନେ ଯାନବାହନ ଆର୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ମାନେ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି ଫର 60% ଅଫ୍ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଇନ୍ ଭେରିୟସ୍ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ ମାନେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ କେବଳ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ 60% ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବାରେ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି ଏଜ୍ ଦେ ରିଲିଜ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କାର୍ବନ୍ ମୋନକ୍ସାଇଡ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦି ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର୍ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସବୁ କାର୍ବନ୍ ମୋନକ୍ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ନିର୍ଗତ କରିଥାନ୍ତି ସେଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କାର୍ବନ୍ ମୋନକ୍ସାଇଡ୍ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ରୁ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ରୁ କେଉଁ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର୍କୁ ଯାଇକି ମିଶୁଛି ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ କାର୍ବନ୍ ମୋନକ୍ସାଇଡ୍ କାର୍ବନ୍ ମୋନକ୍ସାଇଡ୍ର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି CO ମନ ମାନେ ଏକ ହେଲା ତେଣୁ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଶିଲା ମାନେ ତାକୁ ହେଉଛି କାର୍ବନ୍ ମୋନକ୍ସାଇଡ୍ ତ ମିନାକ୍ ଅଫ୍ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ଟୁ ଦି ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ହେଜ୍ ନାଓ ରିଚ୍ ଦ ପିକ୍ ଲେଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ଦିସ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ୱି ମେ ହାଭ୍ ଟୁ ୱେର୍ ନାସାଲ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ସ ଅନ୍ ଆର୍ ନୋଜ୍ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଲେଖାଲେ କ'ଣ ଦି ମିନାକ୍ ଅଫ୍ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ର ବିପଦ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ଟୁ ଦି ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଏକ୍ଜଷ୍ଟେସ୍ ମାନେ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ର ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରୁଛି ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଯାଉଛି ବା ଯେଉଁ ଡେଞ୍ଜର ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଯାଉଛି ହେଜ୍ ନାଓ ରିଚ୍ ଦ ପିକ୍ ଲେଭେଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ଦିସ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏବଂ ଯଦି ଏଇ ଧାରାଟା ଅନବରତ ଚାଲିବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ ୱି ମେ ହାଭ୍ ଟୁ ୱେର୍ ନାସାଲ୍ ଫିଲ୍ଟର ଆମକୁ ନାସାଲ୍ ଫିଲ୍ଟର ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାସାଲ୍ ଫିଲ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ମାସ୍କ ଲଗାଉଛ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ଯେମିତି ଲଗାଉଥିଲ ଆମକୁ ଏ ପ୍ରକାର ନାସାଲ୍ ଫିଲ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନ୍ ଆୱାର ନୋଜ୍ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମକୁ ନାସାଲ୍ ଫିଲ୍ଟର ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କହୁଛି ଅର୍ଥ କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ଯାନବାହନର ଯେଉଁ ନିଷ୍କାସିତ ଧୂମ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ତାଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ବିପଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିକ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ମାନେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଆଉ ଯଦି ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଚାଲୁ ରହିବ ତାହେଲେ ଖାଲି ଇଫ୍ ଦିସ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଯଦି ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା
कंटिन्यू रहिबो माने चालू रहिबो ताले हुए तो हमको भविष्य करे मास्क गुड़िक सब नाक पिंधे पड़ो ओके चलो नेक्स्ट पैराग्राफ देखा द डैमेज कॉज्ड बाय पॉल्यूशन इज एनोरमस माने प्रदूषण द्वारा जो क्षति होटा एनोरमस अटे एनोरमस माने कौन अति व्यापक इन मनी एलोन इट रिप्रेजेंट्स ए लॉस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर इच ईयर जब आम केवल टंकारे आर क्षतिरा हिसाब करवा आमको गोटे गोटे वर्ष को केते बिलियन ऑफ डॉलर आमर लॉस होची एयर पोल्यूशन द्वारा मेनी फ्लावर एंड वेजिटेबल क्रॉप्स सफर इल इफेक्ट्स फ्रॉम कार एग्जॉस्ट गैसेस कार जो बाष्प गुड़िक बाहर जो गैस गुड़िक बाहर तार खराब प्रभाव तार इल इफेक्ट माने कौन खराब प्रभाव तार खराब प्रभाव अनेक फूल एवं परिया फसल क्षतिग्रस्त होती लिखा मेनी फ्लावर एंड वेजिटेबल्स बहुत फूल एवं परिया गुड़िक क्रॉप माने फसल ठीक अच्छे सफर एम सब क्षतिग्रस्त होती इल इफेक्ट द्वारा इल इफेक्ट माने कौन खराब प्रभाव बुझिपारच कार इल इफेक्ट ना कार जो गैस गुड़िक आ गैस खराब प्रभाव द्वारा बहुत फूल एवं पनीपरिया फसल गुड़िक सब ताप सब सफर होने सब ता प्रभाव में क्षतिग्रस्त होती ट्रीज हैव बीन किल्ड बाय पॉल्यूशन फ्रॉम पावर प्लांट माने कौन तापज विद्युत केन्द्र तापज विद्युत केन्द्र द्वारा जो पल्यूटांट गुड़िक आसिकी एयर को पल्यूशन करा कौन हो ट्री गुड़िक सब मरी जाऊँ कैटल हैव बीन पॉइजन्ड बाय द फ्यूम्स फ्रॉम स्मेल्टर्स एंड रिकवर आलुमिनियम फ्रॉम ओर कौन लिखा है देख कैटल माने सब जो गृहपालित पशु गाई गुड़िक बुझिपारा एम सब कौन होने सब कहा द्वारा हेबिन पॉइजन एम सब विषाक्त होती बाय द फ्यूम्स फ्यूम माने कौन गैस फ्रॉम स्मेल्टर्स द स्मेल्टर माने कौन जोटा कि फर्नेस बोली कह धातु तरल बार जो व्यवहार कर स्मेल्टर बोली कह जाए एंड रिकवर आलुमिनियम फ्रॉम ओर ठीक अच्छे एवं आलुमिनियम जो ओर रु निष्कासित कराऊ ओर माने कौन धातुपिंड जो आलुमिनियम गुड़क बाहर करते कि स्मेल्टर में स्मेल्टर माने कौन जो थे कि फर्नेस आम कह से मैंने से धातु गुड़िया तरला हो से जो गैस गुड़िक बाहर से गैस द्वारा कैटल मैंने कौन विषाक्त होविन पॉइजन मानते कैटल मैंने विषाक्त हो जाती एयर पल्यूशन कजेस रबर टायर्स अन् ऑटोमोबाइल टू क्राक एंड बिकम पोरस एयर पल्यूशन कौन ऑटोमोबाइल गुड़िकर रबर टायर को टायर जान टायर ट्यूब ये सब क्राक करदे से फटे दूसरी आ पोरस पोरस मानते छिद्रजुक्त से सब छिद्रजुक्त हो जाऊँच कार बस ऑटोमोबाइल समस्त टायर गुड़िक फाइन बिल्डिंग्स बिकम से भी है कौन सुंदर सुंदर कोठा बाड़ी गुड़िक सब कुछ से भी हो मानने अपरिष्कार ठीक अच्छे फाइन बिल्डिंग मानने कौन सुंदर सुंदर कोठा घर ये सब जगह कौन हो अपरिष्कार दि वाल्स ब्लैकेंड विथ सूट दैट हैज सेटल्ड ऑन देम सूट मान अलुंद तेणु कांथ गुड़िक सब वाल मानने कौन कांथ कांथ गुड़िक से जो अलुंद गुड़िक सेटल होता है अलुंद गुड़िक लगे थाउँ से अलुंद द्वारा सब जगह कौन ब्लाक एंड सब जगह कला पड़ जाए बुझा एयर पल्यूशन कौन हो सुंदर सुंदर कोठापाड़ी गुड़िक सब से भी अपरिष्कार देखाऊँच केमती अपरिष्कार होंथरे जो अलुंद गुड़िक सब लगे थाउँ कांथ लगे थाउँ से गुड़िक द्वारा से सब कांथ गुड़िक कला पड़ जाऊँच बिल्डिंग सरफेसेस मे आकचुअली डिटेरियोरेट बिकज अफ एयर पल्यूशन बिल्डिंग सरफेस मैंने बिल्डिंग जो सरफेस चट्टाण गुड़िक सब कौन हो डिटेरियोरेट अर्थात क्षतिग्रस्त क्षतिग्रस्त होती क्या द्वारा एयर पल्यूशन द्वारा वायु प्रदूषण द्वारा यह बास्तव में क्षतिग्रस्त हो जाती बट द हाई कॉस्ट ऑफ एयर पल्यूशन इज मोस्ट स्ट्राइकिंगली इलस्ट्रेटेड इन इट्स डैमेजिंग इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी हाई कॉस्ट मान कौन उच्च परिमाण परिणाम है तो एयर पल्यूशन सब जो बड़ परिणाम स्ट्राइकिंगली इलस्ट्रेटेड इलस्ट्रेटेड मान कौन दर्शे वर्णना करवा स्ट्राइकिंगली मान कौन विस्मयकर भाव तो एयर पल्यूशन एयर पल्यूशन द्वारा जो सब अधिक परिमाण में कौन होमेज होमेजिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी मानने मनीष शरीर पर आर जो प्रभाव पड़ू जो मनीषर जो क्षतिग्रस्त होस्मयकर भाव में वर्णना कर लाइनटा लिखाई पुणी थोड़े कौन लिखा कौन कि एयर पल्यूशन जो उच्च परिणाम क्या पर पड़ी ना डैमेजिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी मनीष शरीर पर पड़ता है जो इफेक्ट गुड़िक मनीष शरीर पर जो खराब प्रभाव पकाउ ताको स्ट्राइकिंगली
ଇଲୁଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରାଯାଉଛି, ମାନେ ତାକୁ ବିସ୍ମକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ପାରିବ। କେମିତି କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ ସାର୍, ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏବେ ମଣିଷ ସ୍ତରକୁ ସେ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଷତି କରୁଛି। ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଜେସ୍ ଆଇ ଇରିଟେସନ୍, ଆଇ ଇରିଟେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାହ ଇରିଟେସ ହେଉଛି, ଆମ ଆଖି ଯେଉଁ ଇରିଟେଡ଼ ହେଉଛି, କୁଣ୍ଡିଆ ଲାଗୁଛି, ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆଖିରେ, ତାକୁ କହୁଛି ଆଇ ଇରିଟେସନ୍। ସ୍କ୍ରାଚି ଥ୍ରୋଟ୍ସ, ଥ୍ରୋଟ୍ ମାନେ ଗଳା, ସ୍କ୍ରାଚି ଥ୍ରୋଟ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଗଳାରେ କର୍କଶତା ଆସିବା, ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଗାଈ ମଇଁଷି କେମିତି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେମିତି କଥା କହିଲେ ଆମର ସେମିତି ଏକ ଭଏସ୍ ଆସିବ, ସେଟା କହୁଛି ସ୍କ୍ରାଚି ଥ୍ରୋଟ୍ସ। ଏଇଟା ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଇଲନେସ୍, ତା'ମାନେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥତା କରିଦେଉଛି, ଆମକୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ବି ଦେଖାଯିବ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଦ୍ୱାରା। ଇଟ୍ ଅଲସୋ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ସ ଟୁ ଏ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସିରିୟସ୍ ଡିଜିଜ୍, ଏହା ଆହୁରି କ'ଣ କରିଥାଏ, ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ସିରିୟସ୍ ମାନେ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ମଣିଷକୁ ରୋଗରେ ପକାଇ ଦେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ବହୁ ପରିମାଣରେ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମାନେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଏ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଦ୍ୱାରା। ଇନ୍ ବୋଥ୍ ଦି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୟୁରୋପ, ମାନେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ, ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁଟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଆମେରିକା ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ତ ସେଠି ତା ସହିତ ୟୁରୋପରେ ପିରିୟଡ୍ସ ଅଫ୍ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ୱେର୍ ଲିଙ୍କଡ୍ ଟୁ ଏନ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଡେଥ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏବଂ ୟୁରୋପର ହାଇ ଲେଭେଲ୍ର ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ପିରିୟଡ଼, ମାନେ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଚାଲିଥିଲା ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲେ ନା, ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ସେଠି ମରିଯାଇଥିଲେ, ହେଲା, ସେଠି ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲା ବୁଝିପାରୁଛ ନା। ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ଯେଉଁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମୟ ଥିଲା ୟୁରୋପରେ ତା ସହିତ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ, ସେଠି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ମଚ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ହାର୍ମ ଇଜ୍ ଡନ୍ ବାଇ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍, ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ହାର୍ମ ଘଟୁଛି, କ୍ଷତି ଗୁଡ଼ିକ ଘଟୁଛି। ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆର୍ ଆଲାର୍ମଡ୍, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସତର୍କ ହୋଇଗଲେଣି, ବିକଜ୍ ଦି ଏମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗ୍ୟାସେସ୍ ସଚ୍ ଏସ୍ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ମିଥେନ୍ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ରୋସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ଆଟମସ୍ଫିୟର ଆର୍ ଇନକ୍ରିଜିଂ, କାହିଁକି ନା ଆମ ଆଟମସ୍ଫିୟରରେ, ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ର ସ୍ତର, ମିଥେନ୍ ଏବଂ ନାଇଟ୍ରୋସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ଏସବୁଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ଦିନକୁ ଦିନ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ବଢ଼ି 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 ଚାଲୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ହୋଇଗଲେଣି। ଦିଜ୍ ଗ୍ୟାସେସ୍ ଟେଣ୍ଡ ଟୁ ଟ୍ରାପ୍ ଦ ରେଡିଏସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିଚେସ୍ ଦି ଆର୍ଥ ଫ୍ରମ୍ ଦି ସନ୍, ଏଣ୍ଡ ଏଜ୍ ଏ କନ୍ସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର କୁଡ୍ ବିକମ୍ ୱାର୍ମର। ଲେଖାଲା ଗ୍ୟାସ୍ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଟେଣ୍ଡ ଟୁ ଟ୍ରାପ୍ ମାନେ ଶୋଷଣ କରିବା, କ'ଣ ଶୋଷଣ କରୁଛି, ରେଡିଏସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିଚେସ୍ ଦ ଆର୍ଥ ଫ୍ରମ୍ ଦି ସନ୍, ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ରେଡିଏସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିକି ଆର୍ଥରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ତାପ ଗୁଡ଼ିକ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କିରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିକି ଆମ ପୃଥିବୀରେ ପଡ଼ୁଛି, ତାପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରିଟର୍ନ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରୁଛି, କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ମିଥେନ୍, ନାଇଟ୍ରୋସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଟ୍ରାପ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ଧରି ରଖିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଆର ଏଜ୍ ଏ କନ୍ସିକ୍ୱେନ୍ସ ମାନେ ଆର ପରିଣାମ କ'ଣ ଘଟୁଛି, ହୁଇଜ୍ ଦ ଆଟମସ୍ଫିୟର କୁଡ୍ ବିକମ୍ ୱାର୍ମର, ଆଟମସ୍ଫିୟର ଅଧିକ ୱାର୍ମ ହେଉଛି, ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଧିକ ଗରମ ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ଦେଖ ତମେ ବୁଝୁଛି, ଏଇଟା ଆମ ପୃଥିବୀ ଏମିତି ଅଛି, ପୃଥିବୀ ହେଲା ତଳ ପ୍ରକୁଲ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଅଳ୍ପ କରୁଛି, ଏପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିରଣ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁ ରେଡିଏସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ, ଆସି ସେ ପଡ଼ିବ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର ଆର୍ଥ ସର୍ଫେସ୍ରେ, ଆସି ସେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ରିଟର୍ନ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପଡ଼ିକି ରିଟର୍ନ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ରିଟର୍ନ ହେବ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ସବୁ କ'ଣ କରିବୁ, ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ରୋସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ହେଉ, କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ହେଉ, ମିଥେନ୍, ତା'ର ସବୁ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ, ତା'ର ମଲେକୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିବ, ଏ ରେଡିଏସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଟ୍ରାପ୍ କରିଦେବ, ତାକୁ ଧରିଦେବ, ତାକୁ ଉପରକୁ ଯାଉ ଦେବନି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ତାକୁ ଉପରକୁ ଯାଉ ଦେବନି, ସେମାନେ ତାକୁ ଧରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଆଟମସ୍ଫିୟର ଅଛନ୍ତି, ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରେଡିଏସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଧରିକି ରଖିଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ, ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, କାହିଁକିନା ସେ ସବୁ ଗରମ ଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ସେ ଗରମକୁ ସିଏ ଆଉ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦେଉନି, ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏକା ଧରି ରଖିଦେଉଛି, ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ଆଟମସ୍ଫିୟର କ'ଣ ହେବ, ଅଧିକ ୱାର୍ମର ହୋଇଯିବ, ଅଧିକ ଗରମ ହୋଇଯିବ। ଦିସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଉଡ୍ ଇଭେଞ୍ଚୁଆଲି ଲିଡ୍ ଟୁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ, ଏବଂ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କ'ଣ କରୁଛି, ଇଭେଞ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ପରିଣତି, ଏହାର ଶେଷ ପରିଣତି କ'ଣ ଘଟୁଛି, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ଇଭେଞ୍ଚୁଆଲି ମାନେ କ'ଣ, ଶେଷ ପରିଣତି, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଘଟୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ରେଡିଏସନ୍ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ରିଟର୍ନ କରିବ, କଲାବେଳେ ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ଧରି ରଖିଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ଗରମ ହୋଇଯିବ ଅଧିକ, ଏମିତି ଗରମ ହେଇ କ'ଣ ହେଉଛି, ଧୀରେ 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 ଆମର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ହେଉଛି, ମାନେ ବିଶ୍ୱ ତାପନ ଘଟୁଛି, ବୁଝିଲା ନା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ କିପରି ହେଉଛି, ଏ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ରେ ସେରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଲେଖାଗଲା। ତା'ପରେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଭ୍ ବିନ୍ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣଡ୍, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେଣି, କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିବା, ଠୁ ମଧ୍ୟ ଏବାଉଟ୍ ଦି ୱାଇଡ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଏ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଦାଟ୍ ମେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ଦ ଆଟମସ୍ଫିୟରିକ୍ ଲେୟର୍ ଦାଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଅସ୍ ଫ୍ରମ୍ ହାର୍ମଫୁଲ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସୋଲାର ଏନର୍ଜି। କ'ଣ ଲେଖାହେଲା କି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେଣି, କାହିଁକି ନା ୱାଇଡ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଦାଟ୍ ମେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ଦ ଆଟମସ୍ଫିୟରିକ୍ ଲେୟର୍, ମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଗୋଟେ ଲେୟର୍ ଅଛି, ସେ ଲେୟର୍କୁ କ'ଣ କରୁଛି, ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରୁଛି, କ'ଣ
वाइड स्प्रेड यूज ऑफ सब्सटेंस माने गोटे सब्सटेंस अच्छे जोटा कि वाइड स्प्रेड मानते बहुत परिणत आम यूज कराद्वारा से जो पदार्थ आसूसी से आटमोस्फेरिक लेयर आम वायुमंडल गोटे लेयर अच्छे गोटे परस्त अच्छे जोटा आम ओजोन स्तर बोली कहू ओजोन लेयर बोली कहू जानते ना सी आम कौन कर प्रोटेक्ट अच्छे फ्रम हार्मफुल कैंड अफ सोलार एनर्जी मैंने सूर्य जो एनर्जी आसूस से भितर गोटे अच्छे अल्ट्रा भायोलेट रे अति बैगणी रश्मि सी आम स्किन पड़े आम कैंसर रोग से पीड़ित होगा बुझीपा ना तो सहीटा को से ओजोन लेयर कौन कर ट्राप करदे ओजोन रखी देखिए बाकी सब जो सूर्य सब अलग कलर गुड़िक अच्छी जानते बाघनी सन है बैगणी गणना सब रंग गुड़िक सत प्रकार से भितर जो अति बैगणी रश्मि धरती बाकी सब रंग को सी कौटी छाड़े आ पृथ्वीपृष्ठ को छाड़े किए ओजोन लेयर ठीक अच्छे बट आम जो सब्सटेंस बारंबार मैं अधिक परिमाण यूज करूँ सी जाए कौन ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर देखा से ध्वंस कर दे दिस सब्सटेंस बिलोंग टू ग्रुप ऑफ केमिकल एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एटा कौ सब्सटेंस कथा खाऊ ना किसी ग्रुप ऑफ केमिकल अटंती आउ क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो सीएफसी गैस बोली कहा जाए आसू जी सब शीतलीकरण जंत्र रेफ्रिजरेटर आसी रू आस बुझा ना इट इज यूज एज ए रेफ्रिजरेन्ट रेफ्रिजरेन्ट फ्रिज घर जो व्यवहार कर क्लीनर एंड वाज वन्स वाइडली यूज इन स्प्रे कैंस सब गैस गुड़िक यूज करा बुझीपा ना स्प्रे जो कैन गुड़िक स्प्रे कर रंग दिखाई सिंचा होती व्यवहार करा सफा कर द्रव्य गुड़िक व्यवहार करम जो शीतलीकरण जंत्र रेफ्रिजरेटर से सब सीएफसी गैस गुड़िक क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस गुड़िक व्यवहार कर बुझीपा तो से जो एगुड़ा सब आसूँ आस कौन कर ओजोन लेयर को पूरा डिस्ट्रॉय कर दूसरी ओके तापरे एनदर कनसर्न इज एसिड रेन आउ गोटे चिंताजनक विषय हूँ एसिड रेन अम्ल वर्षा दिस इज रेन और अदर प्रेसीपिटेसन दैट कंटेन्स ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन यहाँ हूँ एसिड रेन कौन एसिड रेन हो गोटे प्रकार वर्षा आउ गोटे प्रकार आम कह प्रेसीपिटेसन प्रेसीपिटेसन मैंने कौन किसी किसी एक्सट्रा तो तुषारपात बोली कहीपर तुम्हें ठीक अच्छे मैंने रेन सहित किसी एक्सट्रा जिन मिसीगला मिसी वर्षा तुषारपात कहुत प्रेसीपिटेसन कहुए ओके सो यहाँ एक प्रकार वर्षा बा गोटे प्रकार प्रेसीपिटेसन जो थी कौन रोज कंटेन्स मैंने धारण करवा से रेन रे कौन मिसिक ऑक्साइड ऑफ सल्फर मैंने सल्फर ऑक्साइड मिशुच्छ नाइट्रोजन अर्थात नाइट्रोजन ऑक्साइड से रेन वाटर मिशुच्छ एलंग विथ अदर केमिकल्स आ सहित आउ अन्य किसी केमिकाल गुड़िकसायनिक पदार्थ गुड़िक वर्षा जल्द मिशुच्छ मिसिक पृथ्वी पृष्ठ में पड़ी एसिड रेन कहुए एसिड रेन कजेस डैमेज इन लेक एंड रिवर्स ये कौन कर एसिड रेन कज मैंने आर जो कौन घटू डैमेज करदे लेक रिवर वाटर को ह्रद और नदी पा को पूरा डैमेज करदे नष्ट करदे पॉइजन द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर पानी में थी प्लांट और एनिमल मानक कौन कर पॉइजन करदे विषाक्त करदे इट मे अल्सो इफेक्ट क्रॉप्स एंड अदर प्लांट्स ये आँ कर क्रॉप मानक प्लांट मानक क्षतिग्रस्त करदे क्रॉप मान फसल प्लांट मैंने गछ गुड़िक स्टोन बिल्डिंग पत्थर बिल्डिंग गुड़िक एंड मनुमेंट एंड ड्रिंकिंग वाटर मनुमेंट मान कौन स्मृति सौध जो जमी मनुमेंट मान ताजमहल आम कह बुझ ताजमहल मत एसिड रेन धीरे धीरे कौन हो क्षतिग्रस्त हो गलानी तार मार्बल थी ना तार 1800 से एसिड रेन पड़ पड़ी सी कौन धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो गला बुझीपार्छ तेल से मनुमेंट गुड़िक आउ ड्रिंकिंग वाटर को मैं कौन कर सब पूरा इफेक्ट कर दूसरी नष्ट कर दूसरी एसिड रेन एसिड रेन इफेक्ट एवरीथिंग इट फॉल्स ऑन एसिड रेन जहाँ पर पड़ी सी एफेक्ट करदे क्षतिग्रस्त करदे द वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स टर्न एसिडिक रिवर एवं लेक वाटर से कौन होसीडिक अम्ल एसिड रेन पड़ा पर फर इनस्टान्स इन स्वीडन मैंने गोटे घटना कह स्वीडन कौन घटी 4000 लेक्स हेबिन ओडिया 4000 बोली कहीदेली इंग्लीश पढ़ ओडिया पार्टर लिख होगा मोर ओके नो प्रोब्लम देख तो 4000 लेक्स हेव बीन सो सीवियरली एफेक्टेड सीवियरली मैंने कौन सीरीयसली गुरुतर भाव में ठीक अच्छे सो स्वीडेन में कौन हो 4000 संख्यक लेक मान ह्रद कौन हो सीवियरली अति गुरुतर भाव में से क्षतिग्रस्त होते जहाद्वारा नो फिश इज सर्वाइव्ड कौन से गोटे भी माछ बंचलानी एपरी मैंने ये परिमाण एक्सीडेंट सेट है कि से लेक 4000 लेक मूड़ सबुजा मरला गोटे मैं बंचलानी इट इज अल्सो चेंजेस दि सॉइल्स न्यूट्रिएंट कंटेंट या कौन कर सॉइल अर्थात माटी जो न्यूट्रिएंट कंटेंट अच्छी जो पोषक उत्पादन अच्छे सी बदल दे इट वाशेस और लीचेस ए वे वाशेस मैंने धोबा लीचेस मत से धोबा आगे है बाहर कर नहीं जावा पूरा सफा करदे
न्यूट्रिएंट्स लाइक पोटासियम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्रॉम द अपर लेयर दैट हेल्प्स ट्रीज ग्रो। ये कौन करुच्छे वाश को धोई दौर बा पूरा परिष्कार करदे कौन ना मटीर अपर लेयर रे सॉइल रो अपर लेयर रे जो पोटासियम अच्छी जो कैल्शियम मैग्नीशियम सब से कौन कर एसीड से गोटे एसीड तेनाली सब मेटाल गुड़क से इजिली अब्जर्व करके धोरी नहीं जाऊँचे है सब गुड़ कौन करते ट्री को ग्रो करा साहय करती एसीड रेन कौन करेंगे सब जगह धोई पूरा सफा करदे। एसीड रेन किल्स लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फॉरेस्ट। एसीड रेन आर कौन कर लार्ज स्ट्रेच मानते विस्तृत जंगल को किल करदे मारदे पूरा नष्ट करदे जंगल गच्छ को लिविंग बिहाइंड लिफलेस स्केलेटन ऑफ ट्री। आ गच कौन कर पत्र शून्य कंकाल परिणत करदे है सब पत्र पूरा नष्ट करदे गोटे मनीष शरीर चमड़ा रक्त सब गला कि खाली हाड़ रोज स्केलेटन रोचे से गच्छ को मैं गोटे पत्र शून्य कंकाल स्केलेटन में परिणत करदे ठीक अच्छे। सो आज आम एति रखिता तापर नेक्स्ट जो पार्ट थ्री आसवना पार्ट थ्री आम पूरा चैप्टर कम्प्लीट करदे स्वल्प अच्छे सरीज ठीक अच्छे। आई होप समस्ते बहुत भल भाव बुझीपार क्लास किपर लगे कमेंट में जनइब आउ फ्रेंड्स मानक भी सेयार करदेव ठीक अच्छे। सो चलो भिडियो को आम एक समाप्त करवा पुणी मिसा आउ गोटे फ्रेश भिडियो बहुत जल्दी आसवा से पर्यंत चैनल सहित जोड़ी रही था। डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल लिंक अच्छी जी भी जॉइन करना जाइन करपर चल थैंक यू।